नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे रजनी स्कूल टेक चैनल में स्वागत है। आज जैसे कि आप लोग थंबनेल और टाइटल से समझ गए होंगे कि आज हम ये लाइट रूम के पूरे ट्यूटोरियल देने वाला हूँ सेटिंग का, क्योंकि यूट्यूब पर अभी एक भी वीडियो जो पूरा सेटिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, जो कि बिल्कुल ए टू जेड सेटिंग हम आपको बताऊँगा लाइट रूम के बारे में। क्योंकि जितने आप लाइट रूम के बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो फीचर्स हैं वो बताए जाएंगे, या फिर जितने सारे कलर कैसे ये लाया जाता, वो कलर कैसे लाया जाता, ब्लरनेस कैसे लाया जाता, शार्पनेस कैसे लाया जाता, स्मूथनेस कैसे, मतलब तमाम तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन लाइट रूम के पूरे सेटिंग के बारे में आपको तभी लोग नहीं सीख पा रहे लाइट रूम को चलाना, क्योंकि लाइट रूम एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो को एडिट करने का है। तो आप लाइट रूम के पहले सेटिंग पूरा जान जाएंगे, उसके बाद ही में आप उसका एडिटिंग कर सकते हैं फ़ोटो का, क्योंकि एक बहुत अच्छा है जिसके सेटिंग भी बहुत सारे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर इसके बाद फिर कोई भी लाइट रूम का वीडियो आप देखिए पूरा सही से समझ में आएगा। इसीलिए आजकल के लोगों को लाइट रूम के वीडियो भी नहीं समझ में आता। तो चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं, आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लाइट रूम की सेटिंग अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे ऊपर तीन लाइनें दिख रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ही शुरू करूँगा। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ तीन लाइनें पे, तो आपको देखिए सबसे पहले लिखा है रजनीश कुमार, और नीचे हमारा ईमेल आईडी से लिंक है ये, मतलब हम इसको लॉगिन कर चुके हैं पहले से ही। और तो यहाँ ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। इसके नीचे देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट पे टाइप किया तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिख कर आ गया। अगर हमने ये लॉगिन नहीं किया होता तो यहाँ साइन आउट के जगह पे साइन इन लिख कर आता, तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते थे। तो मैं बैक जाता हूँ, फिर उसके नीचे के बटन देखूँ तो वो है प्रीमियम फीचर्स, इस पर मैं दबाऊँगा। तो जो ये प्रीमियम फीचर्स उनके लिए हैं जो आप इनके प्रो लेवल वाले फीचर्स लेंगे, जैसे 320 रुपये या 200 250 जो भी हैं इनके मंथली पे, वो आप इसको यूज करने के लिए ले सकते हैं। तो ये हम सब के लिए नहीं है, वो बिल्कुल हाई लेवल के एडिटिंग करते हैं उनके लिए, पहले हम लोग यही सीखते हैं, उसके बाद ये भी मैं लेकर आऊँगा। तो इसके नीचे देखता हूँ मैं प्रेफरेंस, इसमें जाता हूँ प्रेफरेंस में, तो यहाँ पर देखिए भाई लोग पहला सेटिंग है इनेबल ऑटो ऐड, मैं इस पर टाइप करता हूँ तो यहाँ देखिए इनेबल ऑटो ऐड में टाइप किया तो ऑटो ऐड न्यू फ़ोटो, इसका मतलब क्या, मैं मतलब यहाँ इनेबल कर दूँगा तो मैं जो भी फ़ोटो खींचूँगा डाउनलोड करूँगा ये अपने आप इसमें अपडेट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा इसमें। अगर इसको अनेबल रखते हैं तो आपको इसमें अपडेट करना पड़ेगा, जैसे किसी फ़ोटो का एडिटिंग करना तो पहले इसमें लाना पड़ेगा, मैं आगे बताऊँगा कैसे लाया जाता है। तो पहला हो गया, दूसरा है शेयरिंग ऑप्शन। देखिए भाई लोग शेयरिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शेयर विथ वाटरमार्क, जैसे आप किसी फ़ोटो में देखते होंगे तो नाम लिखा होता है, तो आप भी अगर अपने फ़ोटो में नाम लिखना चाहते तो यहाँ राइट साइड में यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम अभी रजनीश कुमार है तो मैं यहाँ से बदल भी सकता हूँ, कुछ भी और कर सकता हूँ, तो यहाँ डन कर देंगे तो सेट हो जाएगा। और यहाँ कस्टमाइज, देखिए नीचे लिखा है, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे जहाँ जहाँ गोला वाला दिख रहा है बिंदी, आप वहाँ टच करेंगे तो वहीं आपका वो चला जाएगा, वो जो आप वाटर मार्क यूज करेंगे, जैसे आप किसी को भेजेंगे तो उसमें वाटर मार्क यही बन कर आएगा। और नीचे बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, जैसे कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, देखिए साइज घटा बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा डार्क ऊपर नीचे कर सकते हैं, डार्क थोड़ा कर सकते हैं और थोड़ा कम डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ थोड़ा कुछ चार ही पाँच चार यहाँ पे फॉन्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देखिए उसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, यहाँ से ब्रिटिश वाले लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ से कलर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इतने सारे कस्टमाइजेशन आप वाटर मार्क में कर सकते हैं। तो ये हो गया कस्टमाइजेशन। अब ये है नीचे शेयर विथ मेटा डेटा, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। मैं आगे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सब लेकर चलूँगा। तो ये अभी ऑफ रखिएगा आप, बस वाटरमार्क अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। तो अब मैं पीछे चलता हूँ, शेयरिंग ऑप्शन हो गया, फ़ोटो इम्पोर्ट, मतलब आप इसमें फ़ोटो इम्पोर्ट करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर जैसे ऑल फ़ोटो अपडेट करना चाहते हैं या रॉ फाइल अपडेट करना चाहते हैं या कॉपीराइट वाले
फोटो ऐड करना चाहते हैं ये सब यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आप ये ना यूज करें अभी नए हो तो, अगर थोड़ा बहुत पुराने हो गए तो आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। अब नीचे आता सेंड यूजर डाटा, ये भी आप इसको इनेबल ना रखिए, डिसेबल ही करके रखिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिन यूज कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको इनेबल रखा हूँ, तो आप यूज करेंगे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन मैं आज बिल्कुल बेसिक लेवल के बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको वही बताऊँगा जो आप सीख पाएंगे, और दूसरा वीडियो मैं जैसा बता रहा हूँ तो उसमें मैं पूरा बताऊँगा। तो मैंने प्रेफरेंस को पूरा देख लिया, अब इसके नीचे है व्हाट्स न्यू, इस पर दबाएँगे तो आपको एक पेज खुलेगा जिसमें ये लिखा है कि मतलब इस लाइट रूम के कब कब अपडेट आए हैं और सभी अपडेट में कौन कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए कितने सारे, बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं इसमें, कब आए हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं वो सब यहाँ पे। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में, और नीचे लिखा है अबाउट लाइट रूम, अबाउट लाइट रूम में ये कब लॉन्च हुआ, इसमें कौन कौन से इंजीनियर थे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे रिलीज इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन कौन से इंजीनियर थे, यहाँ से आप अबाउट लाइट रूम में पढ़ सकते हैं जाकर। अब इसके और नीचे है डिवाइस इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज, इसमें आप जाएंगे डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोरेज, तो देखिए सबसे पहले आपका डिवाइस स्टोरेज बताएगा, अगर आप मेमोरी में इसको स्विफ्ट किए हैं तो मेमोरी का स्टोरेज बताएगा, अगर आप इसको फ़ोन वाले मेमोरी में स्विफ्ट किए हैं तो आपको फ़ोन वाले मेमोरी का स्टेटस बताएगा। वहीं नीचे से इसको यूज़ एसडी कार्ड अगर करना है तो इसको इनेबल रखिए, और इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका फ़ोन का एसडी कार्ड यूज करेगा, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए नीचे देखिए मैनेज स्टोरेज लिखा है, यहाँ से आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया स्टोरेज का तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा। और सबसे नीचे देखिए डिवाइस इंफॉर्मेशन, जैसे जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका नाम देखिए, मैन्युफैक्चर Xiaomi, मॉडल Redmi Note 6 Pro जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ, Android OS 9 फ़ोन का, फिर RAM, ऐप वर्जन, ये ऐप जो यूज कर रहे हैं उसका भी वर्जन नीचे लिखा हुआ है, सब आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन में सब ये दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ सभी फीचर्स देख लिए कहाँ तक, डिवाइस इंफॉर्मेशन है स्टोरेज तक। इसके नीचे हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट में जाते हैं तो इसके जो शुरू के चार, शुरू के पाँच जो हैं वो आप किसी को भी ऑन कर लीजिए, जिसे मैं एक ऑन करके दिखा रहा हूँ दूसरा, तो किसी को भी आप ऑन करेंगे तो ये अपने वेबसाइट पर लेकर जाएंगे, वहाँ आपको कुछ भी ट्यूटोरियल देंगे ये, या फिर उनके बारे में ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेना चाहिए तो आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए ये खुल रहा है, ये वेबसाइट खुलेगा लाइट रूम का, देखिए अभी एरर दिखा रहा है, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ खोल के, देखिए इस बार खुल गया, देखिए लाइट रूम का पूरा वेबसाइट खुला, आप यहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं लाइट रूम के बारे में। तो मैंने ये चारों पांचों के बारे में मैंने कहा कि ये सब आपको वेबसाइट पे लेके जाएंगे, ये आपको खोलना नहीं है। अब पांच छठे वाले पे देखें गाइडेड ट्यूटोरियल, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है, इसको आप टाइप करेंगे तो जैसे देखिए इतने सारे पहला दूसरा तीसरा ये सब हैं, ये आपके ट्यूटोरियल के लिए, जैसे सब फोटो में देखिए दो भाग बने, एक तरफ थोड़ा इन्हेंस करके बनाया हुआ जिससे आपको इधर लेफ्ट वाले फ़ोटो को राइट वाले फ़ोटो में बदलना है कैसे करें, या फिर दूसरे में देखिए लेफ्ट वाले फ़ोटो को राइट वाले फ़ोटो में कैसे किया जाए, ये कैसे करना है, तो इसको अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, जैसे गॉट इन चलो जाइए आप वहाँ पर, तो यहाँ आप जो फोटो लाए हैं जो अभी मैं आगे बताऊँगा, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे, जैसे ये फ़ोटो है तो ये गाइड करेगा आपको कि आप कौन से कलर डालें कौन से क्या डालें, तो जैसे अभी लोडिंग ले रहा आपको गाइड करेगा। देखिए जैसे कि राइट साइड में देखिए वो एक थर्मामीटर जैसे है, वो कलर का है बटन, तो उसको हमें दबाने का रहा, मैं उसको दबा दिया तो देखिए वो कह रहा ब्लैक एंड वाइट पे जाओ, तो ब्लैक एंड वाइट पे गया, देखिए पहले ब्लैक एंड वाइट हो गया, अब कह रहा फिर से ब्लैक एंड वाइट पे गया, वो कस्टमाइज करने कह रहा ब्लैक एंड वाइट में, तो मैं थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेता हूँ किस टाइप का हमें ब्लैक चाहिए, टाइप टू ब्लैक, तो मैंने कर लिया। यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप देखिए ये भी इस बटन को देखिए राइट साइड में, इस बटन पे जाने को कह रहा है, इस बटन पे मैं गया तो देखिए वो ऊपर स्प्लिट टोन पे टाइप करने कह रहा है, देखिए आप इससे ड्रैग करके आप फोटो को अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, देखिए ये आपको ट्यूटोरियल देगा। इसके अब अगले पार्ट में चलते हैं, तो यहाँ
ये इस पे टाइप करने कह रहा, देखिए जैसा जिस पे टाइप करने का था उसमें नीले रंग का एक बन जाता है, तो देखिए मैं इस पे टाइप करता हूँ, देखिए थोड़ा इससे आप घटा बढ़ा सकते हैं, जिस मुताबिक आपको चाहिए वो फोटो देखे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए लिख दिया ट्यूटोरियल कम्प्लीट। तो अगर आप बिल्कुल सही सही ट्यूटोरियल कम्प्लीट करना चाहें या अपने मन मुताबिक फ़ोटो यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था हेल्प एंड सपोर्ट में ये गाइडिंग ट्यूटोरियल जिसमें आप देख लिए हैं, जैसे ये सब था मैं आपको एक करके दिखा रहा था, तो आप यहाँ जाकर सब ट्यूटोरियल ले सकते हैं। आप जाते हैं सबसे नीचे जेस्चर एंड कीबोर्ड शॉर्टकट, तो इसमें देखिए जेस्चर एंड कीबोर्ड शॉर्टकट मतलब इसमें कीबोर्ड तो आप यूज नहीं कर सकते, जैसे देखिए शिफ्ट स्वाइप डाउन लेफ्ट एंड राइट CTR शिफ्ट ये सब अगर कंप्यूटर में लैपटॉप में आप यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप में अगर यूज करेंगे तो आपके लिए ये सही है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा और अगर याद हो सके, ये इसे याद कौन करता है यार, तो इसको देख लीजिएगा अगर सही होगा तो आप इसके सारे भी यूज कर सकते हैं। ये सब शॉर्टकट ऐसे तो सब काम हो गए हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये भी कंप्लीट हो गया हेल्प एंड सपोर्ट वाला पार्ट। सबसे नीचे देखिए टेक्नोलॉजी प्रीव्यू, तो मैं इस पर जाऊँगा टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में, तो यहाँ आपको वो चीज़ मिलेंगे जिस पर लाइटरूम अभी काम कर रहा है, जैसे वो आगे किस तरह के फीचर्स लाने वाले हैं लाइटरूम में या किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं अभी, तो वहाँ ये लिखा भी है नोटिफाई मी अबाउट न्यू प्रीवियस, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप इतना पूरा सेटिंग जान गए, ये पूरा सेटिंग आप जान गए इधर वाले, तो ये तीन बटन के आप सारे सेटिंग जान गए। अब इसके बगल वाले जो होम का साइन है उस पर मैं चलता हूँ, तो देखिए यहाँ मेरे जितने सारे रिसेंटली एडिड लिखा है और बगल में ऑल फोटो, ऑल फोटो पे दबाएंगे तो आपके रिसेंटली में जो सभी ऑल फोटो है वो सब आ जाएंगे। तो मैं बैक चलता हूँ और नीचे है लर्न, जिससे आप किसी चीज़ से लर्न कर सकते हैं। यहाँ भी ट्यूटोरियल दिए, जैसे देखिए सभी फ़ोटो के दो भाग बने, मतलब इस भाग से उस भाग को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्यूटोरियल उसी तरीके से ले सकते हैं, जो बहुत सारे मतलब मज़े मज़े वाले चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते भी हैं। तो ये हो गया। अब तीसरे बटन पे जाते हैं, जो तीन डंडा खड़े खड़े रखा है उस पर मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ देखिए आपका सब फ़ोटो का फाइल बन के आता है, जैसे ऑल फोटो इसमें होगा, जैसे मेरे पास चार है, ये पीपल मतलब आप जैसे प्रीमियम लेवल के लेंगे तो वहाँ जिस पीपल को आप फॉलो करेंगे या फिर किन्हीं के फ़ोटो को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएंगे पीपल के रूप में। और तीसरे नंबर पे डिलीट, अगर आप यहाँ से जाकर किसी फ़ोटो को डिलीट करते हैं ऑल फोटो में जाके, तो वो फ़ोटो पूरा डिलीट नहीं होता, वो डिलीट वाले फाइल में आ जाता। और अगर यहाँ से आप इसको टाइप करके यहाँ डिलीट, अगर यहाँ टाइप करके वो डिलीट वाले बटन पर दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और सबसे नीचे वाले पे देखिए न्यू आइटम, न्यू आइटम मतलब आप यहाँ एल्बम बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप फ़ोटो अलग अलग रख सकते हैं। और ये देखिए चौथे नंबर पे डबल दो आदमी का निशान दिख रहा, इसका सिंबल है, ये शेयरिंग का ऑप्शन है, मतलब आप यहाँ से एडिट करके किसी को शेयर करते हैं या पोस्ट करते हैं कहीं फेसबुक, तो वो सब फाइल यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो आप सब जान गए, ये ऊपर के चारों सब आप जान गए, ये सब जान गए। अब सबसे राइट साइड के ऊपर देखिए ये दो बने हैं जिसके ऊपर नीले नीले सिंबल दिए हुए, ये है प्रीमियम, इसका पहचान है प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम वाले इसके लेंगे मतलब 250-300 रुपया जमा करेंगे महीने में तो ही इसका यूज कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं, एक का है सर्च और दूसरे का है वो ऑटो सिंक्रोनाइज, मतलब आप यहाँ फ़ोटो वोटो लेंगे तो आपका जीमेल में सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ड्राइव में चला जाएगा अपने आप, तो वो सब है, तो वो सब की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब आ जाइए सबसे नीचे राइट साइड में, पहले नंबर पे देखिए प्लस का निशान और दूसरे नंबर पे है एक कैमरे का निशान, पहले वाले से आप इसमें फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं और दूसरे वाले से आप तुरंत कैमरा खींच कर एडिट कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले पे दबाता हूँ, देखिए जैसे कि मैं पहले वाले पे दबाया तो मेरा गैलरी खुल जाएगा, देखिए मेरा पूरा गैलरी खुल गया। अगर मैं एडिट करना चाहूँगा तो कोई एक फ़ोटो को यहाँ दबा कर और नीचे ऐड का सिंबल आ गया, ऐड कर दूँगा। तो ये जो ऐड वाले फ़ोटो है ऑल फ़ोटो है, अभी देखिए चार था यहाँ पांच हो गया, तो मैं इस पे जाऊँगा तो वो फ़ोटो देखिए यहाँ ऐड हो गया, तो मैं यहाँ ऐड वाले पे दबा दूँगा। अब इतना करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और फीचर्स खुलेंगे, जैसे ऊपर देखिए राइट से
लेफ्ट में सबसे ऊपर देखिए एडिट का ऑप्शन है, तो आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट वाले में ही जाकर आपको एडिट करना होगा। और उसके नीचे इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो फ़ोटो के इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देगा। और रेट एंड रिव्यू पर जाएंगे तो आप इस फोटो को रेट एंड रिव्यू दे सकते हैं। और नीचे जाएंगे एक्टिविटी पे तो आप इसके साथ क्या क्या किए हैं, कहाँ भेजे हैं, क्या पूरा एक्टिविटी इस फोटो के बारे में आपको बताएगा। तो मैं एडिट करता हूँ तो एडिट वाले ऑप्शन पर रखेंगे। और राइट साइड में देखिए सबसे ऊपर तो दो जो तीन बिंदी के बने हैं उस पर मैं टैप किया, तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और शो हिस्टोग्राम, शो इन्फॉर्मेशन, क्रिएट प्रेजेंट, बहुत सारे यहाँ भी सेटिंग है, सेव टू डिवाइस। तो ये मैं अब अगर आपको अभी समझाऊँगा तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, अगर ऐड कर सकते हैं, अगर आपका फ़ोटो बन जाएगा तो यहाँ से सेव टू डिवाइस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। और मैं आगे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और भी यहाँ से कॉपी सेटिंग, मतलब अगर आप पहले से कोई गलती से अगर कोई अच्छा से सेटिंग कर लियो किसी फ़ोटो को, तो उसका पूरा सेटिंग कॉपी करके इसमें आप डाल सकते हैं। ये मैं सब अभी बताऊँगा अगले वीडियो में, तो इसमें मैं पूरा सेटिंग बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपका अगला वीडियो ना छूटे। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ आप सब देख चुके हैं ये तीन बिंदी। और दूसरे पे है ये शेयर का निशान, तो यहाँ से जैसे आप शेयर पे दबाए तो देखिए शेयर का ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ से मतलब तुरंत एडिट करके शेयर भी कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो सबसे राइट साइड में जो बिल्कुल बहुत सारे फीचर्स आपको देख रहे हैं इसके बारे में सब अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर दो जो दिख रहे हैं उस पर देखिए नीले का निशान आ गया, इसका मतलब ये है प्रीमियम वाले, मतलब आप जब पैसे देंगे इसको यूज करने के लिए तभी आपको ये दोनों यूज करने को मिलेगा। लेकिन मैं उसको छोड़कर अभी आगे बताता हूँ, वो कोई ख़ास नहीं है, तो मैं दिखाऊँ वो दोनों मैं हटा दे रहा हूँ। अब पहले नंबर पे क्रॉप, अब क्रॉप में देखिए मैं दबाया तो कितने सारे देखिए राइट साइड में कितने सारे खुल गए। तो आप इसको मैनुअल भी यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे करके ड्रैग करके कर सकते हैं, और इसको भी लॉक कर सकते हैं और घुमा सकते हैं फ़ोटो को, इससे भी उल्टी साइड में घुमा सकते हैं, इससे फ्लिप कर सकते हैं, इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब बहुत तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर जिस तरह से कस्टमाइजेशन करके आपको ओके करना है तो इस ऊपर वाले राइट क्लिक पे मतलब सही वाले निशान पे दबा देना, तो क्रॉपिंग हो गई। अब दूसरे नंबर पे देखिए ये इस पे है प्रोफाइल, इसका जो अभी मैं टाइप किया उसका नाम था प्रोफाइल, यहाँ ऊपर लिख के भी आ गया। तो आपको नीचे इतने सारे फिल्टर मिलते हैं फिल्टर टाइप के, आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ब्लैक एंड वाइट, ये मतलब बहुत तरह के, मतलब अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पहले इससे एक कोई प्रोफाइल चूज कर लीजिए उसके बाद एडिट करिए, तो आपके लिए और भी आसान होगा, क्योंकि अपने तरफ से पहले कोई कलर ले लीजिए फिर उसके बाद एडिट करिए, तो यहाँ से फिर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर टिक का निशान लगा देंगे तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ तीसरे नंबर पे चलता हूँ तो ये है जैसे फ़ोटो का निशान है, इसमें गया तो इसमें थोड़ा ऑटोमेटिक का होता है, मतलब ऑटो मतलब जो भी कलर उलर है आपको ऑटोमेटिक में ले लिया, थोड़ा जिस हिसाब से वो कंप्यूटर समझा एआई के माध्यम से उस हिसाब से आपका ले लिया। अब ये जो सूरज का निशान बना है इसका मतलब है लाइट, मतलब लाइट आपको कैसे रखना है। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे एक्सपोजर, देखिए आप घटा बढ़ा सकते हैं एक्सपोजर, मतलब कम लाइट ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। और कंट्रास्ट मतलब ब्लैक एंड वाइट के बीच में कितना फासला रखना है वो आप इससे कर सकते हैं। हाईलाइट मतलब आप किसी चीज़ को हाईलाइट ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे अपने शक्ल पे जितने डार्कनेस या वाइटनेस आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। शेडो जो बन रहा है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से वाइट को घटा बढ़ा सकते हैं, ब्लैक को घटा बढ़ा सकते हैं, ये सब आप जितना घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से 5, 10 या 15 तक बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल 5, 10 थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ा घटा के देखिए, ऐसे आप घटा बढ़ा के पूरा देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा बढ़ाने घटाने में अगर अच्छा लगने लगता तो वो भी सही है। तो ये लाइट वाला ऑप्शन, सबसे ऊपर देखिए कर्व लिखा हुआ, कर्व के सहारे भी आप जैसे देखिए ये कर्व, देखिए मैं इधर ले रहा हूँ इधर फिर इधर ला रहा हूँ, मतलब कर्व के सहारे भी आप इसको कर सकते हैं अगर कर्व को यूज आप करना सीख गए तो। तो ये हो गया, और ये कर्व में आप सब अलग अलग कलर भी ले सकते हैं, हरा नीला पीला सब तरह के ये सब। तो मैं यहाँ से डन कर दे रहा हूँ, तो ये लाइट वाला सब
मैं आपको बता दिया। अब लाइट के नीचे देखिए थर्मामीटर, ये कलर का है, मेन काम यही है, लाइट रूम नाम ही पड़ा इसका लाइट से, तो मेन है लाइट का ये था, नीचे कलर, तो लाइट रूम। इसलिए अब मैं कलर पे चला गया, कलर पे गया तो देखिए आपके सामने इधर खुला टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सेचुरेशन, तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा घटा बढ़ा के देख सकते हैं कि कैसा किसका काम है, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हम कैसे यूज करें किसका, कि हमें कैसा फ़ोटो प्राप्त करना है, काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, जैसा भी, आप इन सबको घटा बढ़ा के देख सकते हैं किससे क्या काम होता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि किसका कैसे यूज करें। ये कलर को तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, लेकिन जो मेन ऊपर है जो लिखा हुआ है मिक्स, देखिए राइट साइड में मिक्स लिखा है, इस मिक्स पे दबाएंगे तो सभी कलर खुल जाएंगे। देखिए ये जो सभी कलर खुले, लाल, थोड़ा हल्का लाल, पीला, हरा, ये जुगनू कलर या नीला, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जैसे लाल पे है अभी सेट, तो इसमें ह्यू आप घटा बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं, लुमिनेंस घटा बढ़ा सकते हैं। अगर यही काम आपको हरे वाले में करना, तो देखिए मैं हरा वाला घटाऊंगा तो पीछे का देखिए लाल हो गया, पूरा बढ़ा दूंगा तो और भी हरा हो गया, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप सब कलर पे जाके जिस फोटो में जो जो कलर है, जैसे हमारा फोटो में ये वाइट है, तो वाइट जैसा आपको कलर ये दिख रहा है, तो मैं इसको घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो शर्ट का कलर में अंतर आएगा। अगर शरीर का कलर पीला से कंट्रोल होता तो मैं इसको घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो शरीर पे प्रभाव पड़ेगा थोड़ा, देखिए। तो यहाँ से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं सभी कलर को, और तो अगर यहाँ से सभी कलर को एडजस्ट करिए तो यहाँ से आप ऊपर से डन कर सकते हैं। अब ये कलर वाले आप सब समझ चुके हैं, एक सेटिंग और, ये जो मिक्स वाला मैं अभी बताया था उसको थोड़ा लेफ्ट में देखिए, ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ से सीधे आप फोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी ये सब को यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी रंगीना ही रखता हूँ जो कि अच्छा लगता है। अब देखिए ये जो थर्मामीटर के नीचे वाला है, ये है थोड़ा अपने फोटो के किनारे में थोड़ा गोलाकार धुंधलापन लाने के लिए, जैसे देखिए मैं टेक्सचर, ये सब तो थोड़ा क्लियरिटी उलरिटी के लिए है पहले ये सब। ये जो तीसरे नंबर, चौथे नंबर का विग्नेटी, इससे देखिए किनारे किनारे आ रहा है, अगर विग्नेटी पे इसको पूरा करके इसको पूरा बढ़ा दिए या पूरा घटा दिए, देखिए कैसा आ रहा, या इसको पूरा घटा के इसको पूरा घटा दिए, मतलब अच्छे अच्छे इफेक्ट आएंगे, देखिए कैसे कैसे इफेक्ट आ रहे हैं, अगर इसको पूरा घटा के इसको पूरा बढ़ा दिया, बहुत अच्छे अच्छे तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए हाईलाइट, ये सब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही, ग्रेन्स को आप हटा सकते हैं यहाँ से, ग्रेन्स की साइज़ देखिए मैं बढ़ा दूंगा तो घटा दूंगा तो और अच्छे लगने लगे, रफनेस, ये सब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन सब यहाँ पे मिलेंगे, ग्रेन्स, आप विग्निटी सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हमें लगता है। तो आप यहाँ से जैसा आपको मन चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। अब इस सेटिंग के बाद नीचे देखिए थर्मामीटर से दूसरे नंबर का जो त्रिभुज का निशान है, इस पे हम जाएंगे तो यहाँ से फोटो को सुंदर करने के लिए बना, जैसे शार्पिंग, तो मैं शार्पिंग को थोड़ा बढ़ा दूंगा, रिड्यूस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, डिटेल थोड़ा बढ़ा दूंगा, मास्क अगर बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, नॉइज रिडक्शन बढ़ा सकते हैं, और नीचे डिटेल भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट लाइट अगर ज़्यादा चाहिए थोड़ा, कलर नॉइस रिडक्शन, अगर कलर में स्मूथनेस ना लाना चाहते हैं तो कलर में स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं, डिटेल बढ़ा सकते हैं, ये जितना आपको बढ़ाना है जिस हिसाब से आपको लगे सही वो आप कर सकते हैं। और ये त्रिभुज के नीचे वाला है ये लेंस प्रोफाइल करेक्शन, आप किसी भी चीज़ को पहले फोटो को एडिट करते हैं तो मतलब लेंस प्रोफाइल करेक्शन, जैसा कि नाम यहाँ अगर ये ऑन कर देंगे तो आपका जो करेक्शन होगा और भी सही होगा, तो आप हमें लगता है ये आप यूज ना कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से यूज करना सीख जाएंगे उसके बाद अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि इसका यूज क्या है। तो आप सब समझ गए, सबसे नीचे एक और है जिस पे नीले का निशान है, ये आप समझ सकते हैं, उसमें पैसे पेड करने पड़ेंगे, देखिए आपको पैसे पेड करने के बारे में बताएंगे। इसके नीचे एक और है जो दो गोला एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, इस पे मैं टाइप करता हूँ, ये है कलर, यहाँ भी बहुत सारे, जैसे उस समय अभी थोड़ा देर पहले प्रोफाइल में कलर देखे थे उसी टाइप का यहाँ भी बहुत सारे कलर हैं विविड, और भी यहाँ से कलर में जाकर क्रिएटिव कलर में जाकर बहुत सारे, फिर यहाँ से ब्लैक एंड वाइट में जाकर उसके बहुत सारे कलर, मतलब सब तरह के वेरिएशन में भी वेरिएशन आपको कर्व के द्वारा
फिर मतलब यहाँ देखिए बहुत सारे, यहाँ सभी में देखिए पहले वाले में 6 हैं, फिर 10 हैं, फिर 10, फिर 5, फिर 4, 4, 4, बहुत सारे यहाँ से आपको हर तरह का मिल जाएगा। और यहाँ 3 बटन पे दबाएंगे तो और भी आप मैनेज भी कर सकते हैं, क्रिएट प्रेजेंट भी कर सकते हैं और बहुत बना भी सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी टिक का निशान लगा देता हूँ, तो आप यहाँ तक सीख चुके हैं जो दो गोला है, इसके नीचे देखिए 3 लाइनें एक और है, तो यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो आप अभी तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ से ऑल पर दबाएंगे, एडजस्टमेंट पे दबाएंगे तो वो थोड़ा हट जाएगा, या फिर पहले जो जितने सारे कर चुके हैं वो हट जाएगा। तो आप इससे आप समझ सकते हैं, जब करेंगे तभी समझेंगे। तो यहाँ से मैं अब सबसे नीचे वाले पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ से भी वही कर सकते हैं, इम्पोर्ट टू ओपन ऑल एडजस्टमेंट। देखिए ऑल पे दबाया तो मेरा बिल्कुल जो पहले फ़ोटो था वो मतलब ऑल जितना मैंने पूरा किया है वो सब हट गया। टू इम्पोर्ट सब लाना चाहते हैं, ये सबको आप कैसे कैसे यूज करना वो यहाँ आएंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ अगर बता दूंगा तो फिर वहाँ आप कर ही लेंगे। मतलब यहाँ अभी बताया मैं तो आप एक बार खुद करेंगे प्रैक्टिकल, मतलब आप समझते हैं ना, प्रैक्टिकल आप करेंगे तो फिर आप वो चीज़ नहीं भूलेंगे। अगर मैं अभी इसको बता दूंगा और अगर आप नहीं करके देखेंगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि मैं भी ऐसा बहुत बार हमारे साथ हो चुका है। तो भाई लोग हमने ये पूरे सेटिंग बता दिया, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने फ़ोटो को एडिट कर पाएँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे ऐप है फ़ोटो एडिट करने के लिए, लाइटरूम। बहुत ही इस पर चैनल चलते हैं, यहाँ तक के एक एक चैनल चल रहे हैं इस पर भारत में बहुत सारे, सिर्फ इस लाइटरूम और 2-3 इसी तरह के फ़ोटो एडिटिंग ऐप के ऊपर। तो आप सोच ही सकते हैं कितने बड़े ऐप हैं। मैं इसका सेटिंग बता दिया हूँ और इसके वीडियो आगे लाऊँगा टिप्स एंड ट्रिक्स के, मतलब और अच्छे अच्छे फीचर्स चुन कर लाऊँगा। कुछ सेटिंग छूट गए होंगे या कुछ हमसे गलती हो गई होगी, तो मैं इसको सब आगे वीडियो में करेक्शन करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और भी किस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। और तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।